अस्सलामुअलैकुम गाइस, दिस इज़ मी पारी अख्तर एंड वेलकम टू मी ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब, उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो जी आज हम जा रहे हैं लास्ट नेस्टों में और फिर इसके बाद हम मुल्क चले जाएंगे और हमारा ये जो है नेस्टों में जाना आज हमारा लास्ट है। तो आप लोगों के साथ भी शेयर करेंगे थोड़ी थोड़ी चीज़ें और क्या ऑफ़र में है ये भी देखेंगे। तो इससे पहले अगर चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर करें। तो आइए फिलहाल ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। तो चलिए हाँ करते हैं ब्लॉग। चलिए A few minutes later. तो चलिए अभी जो है हम नेस्टो पे आ चुके हैं, अभी अंदर एंट्री करेंगे और ये आज हमारा आखिरी नेस्टो में घूमना है। तो चलिए अंदर, एक मेमोरी भी रहेगी हमारी और एक वीडियो भी बना लेंगे। कितना बड़ा पार्किंग एरिया देखें। अभी चलते हैं अंदर। ये देखिए हम नीचे भी एक्सप्लोर करेंगे, पहले ऊपर देखो हम क्या आते हैं क्या वगैरह है। तो यहाँ पर जो है हम फिर से रेस्ट करने बैठे हैं थोड़ा, वो न्यू कैफे खुल चुका है ना, न्यू कैफे ये वाला एक नया। हम जब वो उस मंथ में आए थे ना तो तब ओपन नहीं हुआ था, बंद था। पीछे का थोड़ा सा माहौल दिख रहा है। ये देखिए ये फूड कोर्ट है और ये जो है नया ओपन हुआ है और इस साइड में प्रेयर रूम भी है। हाँ, और इस साइड में आपका प्रेयर रूम है, सब इधर वॉशरूम है, मेल फीमेल सब। तो चलिए अभी जो है आप लोगों को दिखाते हैं थोड़ा सा। ये देखिए ये ओपन हुआ है और प्राइस भी बिल्कुल कम है। और यहाँ पर देखिए कितने खूबसूरत खूबसूरत डेकोरेशन है। तो चलिए अभी हम आ चुके हैं, देखते हैं अभी यहाँ पर देख सकते हैं चॉकलेट का सेक्शन, फुल माहौल। और आज ऑफर नहीं है ना इसलिए भीड़ भी नहीं है ज़्यादा। ये वाला बता रहे थे ना। यहाँ पर जो है बोनलेस सारे आइटम्स मिलेंगे आपको, बीफ मटन के और कबाब वगैरह सब कुछ यहाँ पर रखा हुआ है, कीमा भी है, बस ले जाके तैयार कर लें। सारे खाने की चीज़ें, ये रेड वेलवेट और ये इसको क्या कहते हैं, ब्लैक नॉर्मल, हाँ नहीं ब्लैक फॉरेस्ट। और एक ये भी है,
सारे जो है जूस फ्रेश है मिलेंगे आपको जूस। हेलो जी, आप ये क्या है? फ्रूट कॉकटेल, रेड ग्रेप। अरे क्या, ओके, बहुत सारे। ये वाला बहुत अच्छा ऑफर है। ये देखिए यहाँ पर, ये क्या फ्रूट है देखा ही नहीं। ये रहा, इसका नाम लिखा हुआ है, प्लम ग्रोन फ्रूट। और ये क्या है? ये तो मुझे भी पता नहीं। ये रहा पिस्ता। नहीं, पिस्ता नहीं, पिस्ता प्लास्टिक वाला। हाँ, प्लम येलो, ये वाला प्लम येलो। स्वीट स्वीट टर्मरिक, क्या कहते हैं, टर्मरिक। ये कट किया हुआ फ्रूट है। इधर ऑरेंज है, कुकुम्बर, ड्रैगन फ्रूट, इधर मिक्स फ्रूट है। ये क्या है? इधर सब सलाद वगैरह है। ब्रेकफास्ट वगैरह कर सकते हैं आप, मतलब प्रोटीन वाला जो है होता है ना। ये देखिए इधर चीज के साथ, ये देखिए इधर फ्रूट का, मतलब आपको खुद से लेकर उधर वेट कर लेना पड़ेगा। ये देखिए सब कुछ है, खुद ही ले सकते हैं। हाँ, खुद ही जो भी चाहिए आप एक एक उठा लो, उसका वेट हिसाब से होगा। ये देखिए इधर सब फ्रूट वगैरह रखा हुआ है और एकदम से ये वेट करके ही रखा हुआ है। और यहाँ पर जो है प्राइस भी लिखा हुआ है। और ये डेट्स वगैरह हैं, सब कुछ है इधर। यहाँ पर देख सकते हैं कितने सारे स्नैक्स हैं। ये क्या है? ये जैकफ्रूट क्रिस्प। हम देखें पूरा, ये क्या चीज़ है? ये कोई फ्लावर होगा, टी वगैरह। ये देखें, ये मूंग दाल कितना इसका प्राइस देंगे? मूंग दाल प्राइस देखने को कहा आपको? कितना? 6 दिरहम।
चॉकलेट, चॉकलेट बियर देख सकते हैं ऑफर में, सारे बैग वगैरह घड़ी सब कुछ रखा हुआ है बच्चे लोगों के लिए। ये देखिए इस साइड में जो है अब बिल कर लेंगे हम। तो चलिए अभी चलते हैं बाहर। अब लेंगे टैक्सी फिर जाएंगे घर। और हमने क्या क्या लिया है खाने की चीज़ें आप लोगों को दिखाएंगे। ये पूरा पार्किंग एरिया है ना, ऊपर से लेकर नीचे अंडरग्राउंड। ये चलिए ए फ्यू मोमेंट्स लेटर। ये देखिए ये सब हम खाने की चीज़ें लेकर आए थे। ये एक टाइप का मिठाई है, केक भी बोल सकते हैं, बहुत ही खाने में मस्त होता है। और इसी के साथ हम एक जो है चिकन पिज़्ज़ा भी लेकर आए थे। और ये जो है केक, ये देखिए ये दो केक हमने लिया था। ये बस ऐसे ही बैठ के खाने के लिए केक था। और ये माउंटेन केक जो कि बहुत ही अच्छा लगता है मुझे, ये दो लिए थे। इसके साथ एक लस्सी भी लिया था। और ये जूस जो लिए थे हमने, फ्रेश जूस, ये मिक्स फ्रूट वाला है और ये अंगूर का है शायद, यस रेड ग्रेप। और ये लेमन नहीं, इसमें गाजर भी है और ऑरेंज है। हाँ ये सारे सामान हमने लिए थे खाने के लिए बस। तो यहीं पर वीडियो को एंड करते हैं। आप लोगों को वीडियो कैसी लगी है आज की कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट कोई व्लॉग में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।